सिकंदरा राव, कोतवाली पुलिस ने सूचना पर दबिश देकर लाखों रुपयों की छात्रवृत्ति घोटाले में वांछित चल रहे सपा के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवेश राणा ने बताया 15 वर्ष पुराने छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में थाना सिकंदरा राव पर सपा के जिलाध्यक्ष युवराज सिंह यादव पुत्र हडल सिंह निवासी रतिभानपुर थाना सिकंदरा राव समेत 13 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW अपराध अनुसंधान विभाग कानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना में दोषी पाए जाने पर युवराज सिंह यादव पुत्र श्री होडल सिंह निवासी रतिभानपुर सिकंदरा राव आदि व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु EOW के विवेचक द्वारा थाना सिकंदरा राव पर गिरफ्तारी तहरीर दाखिल की गई थी, जिसके अनुपालन में आज थाना सिकंदरा राव पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त युवराज सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। उक्त के संबंध में विवेचक EOW द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व पुलिस सपा जिलाध्यक्ष युवराज सिंह के छोटे भाई रवि यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने सपा के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अनूप शर्मा की रिपोर्ट। थाना सिकंदरा राव हाथरस में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 462 सन 2006 धारा 420 467 468 471 IPC की विवेचना EOW कानपुर इकाई द्वारा की जा रही थी। विवेचना उपरांत EOW के विवेचक द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर गिरफ्तारी थाना सिकंदरा राव को प्राप्त कराई गई थी। उक्त तहरीर गिरफ्तारी के आधार पर वांछित अभियुक्त युवराज सिंह पुत्र होडल सिंह निवासी रतिभानपुर को आज गिरफ्तार किया गया है। EOW को इसकी सूचना दी गई है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई EOW के विवेचक द्वारा की जा रही है।